प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं अपनी राजकीय यात्रा पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर कई कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं और पोलैंड उतरने पर उनका वहां पर जो स्वागत किया गया है उसे से संबंधित आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पोलैंड के दौरे पर पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं इस विदेश दौरे के दौरान। तो प्रधानमंत्री मोदी का कई कार्यक्रम है इन दोनों देशों के साथ, जो द्विपक्षीय संबंध हैं भारत के वो महत्वपूर्ण हैं। उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और दोनों देशों के बीच कई तरह के बातचीत कई मुद्दों पर हो सकती है। पोलैंड एक यूरोप का देश जो कि बिल्कुल रणनीतिक तौर पर पोलैंड जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड पहुंचे तो वहां पर होटल के बाहर जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो जुटे थे और उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नारे भी लगाए हैं। लेकिन इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पोलैंड में वारसा, पोलैंड की जो राजधानी है वारसा पहुँचे हैं, और वारसा में जो हवाई अड्डे पर वो पर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं, और ये खास बात है कि 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। जी, ये एक बड़ी बात है कि 45 साल बाद प्रधानमंत्री किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा हो रही है। और जैसा कि अभी समीर जी भी यहाँ थे तो वो बता रहे थे कि 1979 में मोरार जी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो वो पोलैंड की यात्रा पर गए थे। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री का ये पोलैंड का दौरा है, दो दिनों का दौरा है, उन्होंने पोलैंड रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है, ये प्रधानमंत्री का बयान था। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, जो हम अभी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री के दो दिनों की पोलैंड यात्रा है, लेकिन 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा है, क्या कुछ इस दौरे में खास रहने वाला है अरुण? देखिए, दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर लेकर के आया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लगभग 45 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो विजिट है वो पोलैंड में हो रही है। नो डाउट आज का जो एक जो दो बड़े कंपोनेंट रहेंगे विजिट के, उसमें जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, कम्युनिटी कनेक्ट आप जिसे कह सकते हो रहेगा। हम इस बात को जानते हैं कि पोलैंड के अंदर लगभग 25,000 के आसपास जो इंडियन एक अच्छी साइजेबल कम्युनिटी है वो है, तो उनको एड्रेस करेंगे। और हम जानते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी, उनकी कई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आखिर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चाहे फ्लाइट जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उसको एनहांस करने की बात हो, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ये जो तमाम इशू रहते हैं जो यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है उनके जहन के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज प्राइमरली जो इंडियन कम्युनिटी है पोलैंड के अंदर उसको संबोधित करेंगे, और इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो रीथ लेइंग जो है, जो जाम साहेब ऑफ नवानगर है, जो जाम साहेब ऑफ नवानगर मेमोरियल है, वहां पर रीथ ले भी करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर का समय था तो जब जाम साहेब थे तो उस दौरान जो पोलैंड के लगभग 600 के आसपास जो महिलाएं थी, बच्चे थी, उनको रेफ्यूज दिया था, उनको खाना रहने की व्यवस्था ये सब करके दिया था जब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन